हेलो दोस्तों, मैं चंद्रप्रकाश शर्मा आपका अपने चैनल कॉमन सेंस एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन पुस्तक का रिव्यू, और जिसका नाम है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स एवं खेल मंथन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए ये करंट अफेयर्स की एकमात्र पुस्तक मार्केट में आई है अभी तक, और काफी बेहतर पुस्तक है। अभी तक देखा गया था कि कोई भी ऐसी पुस्तक है नहीं जो करंट अफेयर्स को कलेक्ट करवा दे एमपी का, लेकिन कुछ लोगों ने ये प्रयास किया है और उनके प्रयास से एक बेहतर पुस्तक निकल के आई है दोस्तों। और पुस्तक का नाम है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स एवं खेल मंथन। आप देखेंगे दोस्तों, ये पुस्तक लिखने वाले जो लोग हैं उनसे सभी लोग परिचित हैं। नाम है कुमार अरविंद एवं रविशंकर तिवारी। इसमें सहयोगी जो संकलन करता है वे है देवेंद्र सिंह, जितेंद्र पाटीदार, धर्मवीर बिश्नोई और रूप सिंह। दोस्तों, इन नामों से आप परिचित होंगे सोशल मीडिया पर अगर होंगे तो। बात करता हूं मैं रविशंकर तिवारी की, तो ये वही लेखक है जिन्होंने मध्य प्रदेश के एक समग्र अध्ययन नामक पुस्तक लिखी। आप देखेंगे इस पुस्तक ने मध्य प्रदेश जीके में क्रांति ला दी, और ये बिल्कुल हटकर एक पुस्तक लिखी गई थी। आपने देखा होगा, जिन जिन लोगों ने पुस्तक पढ़ी होगी, काफी अच्छी पुस्तक है, काफी डीप नॉलेज दी गई है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एग्जाम मध्य प्रदेश का हो यहाँ से प्रश्न बाहर जा सकते हैं। जितने नंबरों पे आप टॉपर बनते हैं, आप देखेंगे इस पुस्तक से वो नंबर आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रयास है। और आप जानते हैं इनकी जो पुरानी पुस्तक थी वो कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा छापी गई थी, और जिस कॉस्मोस पब्लिकेशन के हेड है महेश कुमार बर्णवाल जी, आप जानते होंगे कितना बड़ा ब्रांड है ये, देश के लेवल पर इनका कितना बड़ा नाम है। तो कहने का मतलब एक अच्छी पुस्तक निकल के आई है। और आपको बता दूं, ये पुस्तक जो इनकी नई पुस्तक है टाइमेक्स पब्लिकेशन ने छापी है। आप ब्रांड जानते होंगे, बहुत अच्छा ब्रांड है। और साथ ही साथ इसके जो वितरक है वो है गोल्डन पिकॉक पब्लिकेशन, तो गोल्डन पिकॉक के द्वारा ये सर्कुलेट की जाएगी। आपको मैं बता दूं इस पुस्तक की विशेषताएं क्या है, उन पुस्तक की विशेषताओं पे हम बारी बारी से बात करेंगे। तो मैं आपको पुस्तकों की कुछ विशेषता बता देता हूं इस पुस्तक की, कि आपको ये पुस्तक क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो करंट अफेयर्स दिया है वो जनवरी 2018 से अगस्त 2019 तक का करंट अफेयर्स दिया है, तो आप समझ सकते हैं 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपके लिए तैयार हो चुका है। दूसरा, आप देखेंगे इसमें मंथली और टॉपिक वाइज करंट दिया है। आप मंथली स्टडी कर सकते हैं, टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। टॉपिक वाइज का मतलब है पुरस्कारों की श्रेणी अलग है, निधन की श्रेणी अलग है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो समारोह होते हैं, सम्मेलन होते हैं, कल्याणकारी योजनाएं होती है, उनके टॉपिक अलग है। पूरी तरीके से इसको एक तरीके से समा बांध दिया है पूरी किताब में इन्होंने। फिर देखेंगे आप, इसमें आर्थिक समीक्षा और बजट पर भी बात की गई है, जो 2019 और 20 का बजट है। और साथ ही साथ आर्थिक समीक्षा आप जानते हैं काफी बड़ी है, तो जो मेन समरी है काफी अच्छी दी है। इसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो हाल ही में हुए हैं, उससे मध्य प्रदेश से संबंधित जो जानकारी है वो भी उपलब्ध कराई है, और ये काफी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ कल्याणकारी योजनाएं बताई हैं, कुछ नहीं सभी बताई हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार की करंट की कल्याणकारी योजनाएं हैं। और आप जानते हैं प्रश्न यहीं से बनते हैं, कहीं से नहीं बनते हैं प्रश्न, इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आते हैं जिनमें हम फंसते हैं करंट में। इसके बाद हम देखेंगे इसमें 3 प्रमुख लोगों के इंटरव्यू है, और ये वो 3 प्रमुख लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है और इसके बाद इन्होंने नाम बनाया है, पीएससी की परीक्षा में सिलेक्ट हुए हैं। आप देखेंगे विजय दहेलिया ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्ट हुए हैं, और इनकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है दोस्तों काफी कमजोर रही है, लेकिन कमजोर पृष्ठभूमि के बाद भी इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि सफलता जो है किसी भी पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती, सफलता मोहताज होती है तो सिर्फ आपके संघर्ष की मोहताज होती है दोस्तों, आपके जुनून की मोहताज होती है। अगर आप में जुनून है, आप में संघर्ष करने की क्षमता है, आपने वो सपने देखे हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, तो फिर सफलता आपको मिलती ही मिलती है। कहते भी है कि जहां चाहा वहां रहा, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दोस्तों, ये उन्हीं श्रेणी में शामिल है। दूसरे हम बात करते हैं नेहा पच्चीसिया जो कि डीएसपी है, और इनका इंटरव्यू दिया है। नेहा पच्चीसिया एक फेमस जो है अधिकारी है, डीएसपी है, और मध्य प्रदेश की लेडी सिंगम के रूप में इन्हें जाना जाता है। आप इन्हें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा इनका जो है कार्य है, इससे पहले भी अन्य विभागों में रही हैं, और इनका कार्य कुल मिलाकर काफी सराहनीय रहा है। इसके बाद हम देखेंगे स्वर्ण गौरव सिंह का इंटरव्यू, जिन्होंने फॉरेस्ट रेंजर के एग्जाम में 5वीं रैंक प्राप्त की है दोस्तों, स्वर्ण गौरव सिंह ने। तो ये 3 इंटरव्यू पढ़ने के बाद मैं मानता हूं कि आपका जो मोटिवेशन का लेवल होगा काफी हाई होगा, क्योंकि आप उन लोगों से रूबरू होंगे इंटरव्यू के माध्यम से जिनमें जज्बा है और जिनमें जुनून है, और ये जुनून उम्मीद करते हैं आगे भी बना रहेगा, काफी अच्छी उपलब्धियां ये प्राप्त करेंगे।
इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों, इस पुस्तक में सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस पुस्तक में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंत में दिए गए हैं, ताकि आप किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि आखिर किताब की जो हम देखेंगे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, किताब हमारे लिए किस तरीके से सहयोगी है दोस्तों। और एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, जैसा कि रूप सिंह यादव अब और रविशंकर तिवारी जी का रहा भी है, इन दोनों ही किताबों में आप देखेंगे जो कलेवर है किताब का काफी आकर्षक है, पढ़ने में मजा आता है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है और आप देखेंगे काफी अच्छी प्रिंटिंग की है और जो शेड्यूल है वो काफी अच्छे तरीके से डिवाइड किया है। हर टॉपिक पढ़ने के बाद आप रुकते नहीं है, आप लगातार पढ़ते जाते हैं, जो ज्ञान की जिज्ञासा है वो आप में क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये किताब है, एक फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ। इसके कुछ प्रश्नों को लेकर आप देखेंगे कि इस तरीके से मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है रंगीन रूप में, साथ ही साथ आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जो बेसिक जानकारी है वो भी दी गई है, उसको भी अछूता नहीं रहा गया है, क्योंकि कुछ बेसिक जानकारी हमेशा हर किताब में होनी ही चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जिलेवार लोकसभा की बात की गई है, लोकसभा चुनावों की, तो कुल मिलाकर हम देखेंगे यहाँ पर डायग्राम का भी प्रयोग किया गया है। सबसे बड़ी बात कुछ जगहों पर जहाँ पर रिलेवेंट है वहां पर एक मानचित्रों का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि कई अन्य जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। कुल मिलाकर मेरा यही निष्कर्ष है कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, और आप इस पुस्तक को देख सकते हैं, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सस्ती पुस्तक है, ज्यादा महंगी नहीं है, जिस तरीके से हम परेशान होते हैं उस हिसाब से आप देखेंगे ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स एवं खेल मंत्रालय आपका इंतजार कर रही है, देखिए पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बहुत अच्छी है, आप निराश नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों ये करंट जो रिव्यू था, इस पुस्तक का रिव्यू था, आपको सही पुस्तकें पढ़नी चाहिए, फालतू की पुस्तकों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये रिव्यू हम इसलिए दे रहे हैं ताकि पुस्तकें, सही पुस्तकें लोगों तक पहुंचे हैं, उनका समय बर्बाद नहीं हो, धन बर्बाद नहीं हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे प्लीज हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, हर जगह पहुंचाएं, ताकि जो भी लोग भटक रहे हैं मध्य प्रदेश करंट और खेल के लिए वो इस टॉपिक को इस किताब से तैयार कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप चैनल से जुड़े रहेंगे, धन्यवाद।